हेलो दोस्तों, एडगो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा गाड़ी में व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग नाम की दो चीज़ें होती है। अब वो आपको हर 5000 किलोमीटर जब भी आपकी फोर व्हीलर चलती है तो आपको करानी पड़ती है दोस्तों, और ज़रूर करानी पड़ती है दोस्तों। आज के वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से ये अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग करते हैं। ये देखिए, पहले के वेट्स जो हैं, पहले ओल्ड लगे हुए वो वेट्स निकाले जाते हैं दोस्तों, ये व्हील बैलेंसिंग के लिए। और बैलेंसिंग ये देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से की जाती है। ये बैलेंसिंग का मशीन है, यहाँ पे इस व्हील को लगाया जाता है, अच्छी तरीके से अलाइन किया जाता है। और फिक्स करने के बाद जहाँ पे कुछ लूज ग्रेवल्स वगैरह जो ज़मीन से टायर में दसे होते हैं उनको निकाला जाता है ताकि अच्छी तरीके से व्हील बैलेंस हो सके। दोस्तों, बैलेंसिंग से आपको एक वॉबलिंग जो सुनाई देती है या गाड़ी बहुत ज़्यादा हिलती है आप चलाते वक्त, वो कम हो सकती है दोस्तों। हर 5000 किलोमीटर पे आपको ये करनी चाहिए। देखते हैं हम लोग किस प्रकार से करते हैं। बहुत ही आसान होता है दोस्तों, सिर्फ मशीन की ज़रूरत होती है। इस मशीन को देखिए, इस प्रकार से लगाना होता है। और ये देखिए, जब भी मशीन ये कैप बंद करने के बाद टायर घूमता है, और घूमने के बाद ऑटोमेटिकली मशीन फाइनल करती है कि कहाँ पे बैलेंस वेट लगाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, एक तो लगा लिया है, हम दूसरे व्हील में देखेंगे कि कहाँ पे वेट डलवाएंगे डिटेल में। स्क्रीन पे आपको दो स्क्रीन सेपरेट दिखाई दे रहे हैं, 0000 इस प्रकार से, जो लेफ्ट और राइट साइड की बैलेंसिंग वेट का डिटेल्स बता देती है। ये देखिए, फिर से वो जो है पत्थर टुकड़े जो है ग्रेवल्स वो निकाल रहा है। फिर निकालने के बाद दोस्तों, सबसे पहले अच्छी तरीके से चेक करना है कि पहले के जो पुराने वेट्स हैं क्या वो निकाले गए हैं या नहीं। दोस्तों, वो सब करने के बाद आपको फिर से कैप बंद करके, जो है मशीन का कैप बंद करके व्हील को घुमाना होता है, और फिर ऑटोमेटिकली ये मशीन चेक करती है कि इश्यू वेट जो है कहाँ पर ज़रूरी है। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं 35 और 025 नंबर है, तो इस साइड में लगेगा 35 वेट, और उस साइड में ये देखिए जहाँ पे बैलेंस करना है व्हील घुमाने के बाद, ये देखिए उस साइड में 25 लगेगा। अब फिर से एक बार घुमाने के बाद वो ज़ीरो आना चाहिए, ज़ीरो आया है, इसका मतलब ये देखिए दोनों तरफ ज़ीरो है, इसका मतलब ये व्हील अच्छी तरीके से बैलेंस हो चुका है। ये देखिए, इस व्हील में देखिए, आप तीसरे व्हील में 40 और 55 वेट, ये देखिए यहाँ पे 40, ये जो वेट्स हैं दोस्तों 35 में दिखे हैं, यहाँ पे 25 है, 15 है, 5 है, फिर उस हिसाब से दोस्तों ये देखिए 15 का है, 5 है। दोस्तों, घुमाने के बाद देखिए उसने यहाँ इस साइड में 35 लगाया है दोस्तों, तो देखिए फिर भी 5 का डिफरेंस बता रहा है, तो ये 5, फिर से उसने यहाँ पे ऊपर 5 लगा दिया है, अब 0 आ जाएगा दोस्तों। देखिए, ये आ गए 0, ये परफेक्ट बैलेंस व्हील का हो गया है। अब वॉबलिंग जो है वो बंद हो जाएगी दोस्तों, और व्हील्स चारों के चारों लगा लिए हैं। अब चलते हैं अलाइनमेंट के पास। अलाइनमेंट दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जो पिछले टायर जिस प्रकार से घूमते हैं उसी प्रकार से आगे के टायर्स उसके पैरेलल घूमने चाहिए। अगर इधर उधर टायर घूमे तो टायर एक साइड में ज़्यादा घिस सकता है। कभी कभार अलाइनमेंट में दोस्तों बेसिकली आगे के टायर ही पीछे के टायर से अलाइन किए जाते हैं, यानी सेटिंग जो है आगे के टायर में ही किया जाता है इस प्रकार की छोटी गाड़ियों में। और जहाँ पे अच्छी तरीके से इस अलाइनमेंट इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है उसके सामने इस प्रकार से गाड़ी को खड़ा किया जाता है, और बाद में देखा जाता है कि एक्चुअल कौन सा टायर बाहर है और कौन सा टायर अच्छी तरीके से अलाइन है, ये सब स्क्रीन पर इनिशियली देखा जाता है। इसके लिए ये
रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे लगाए जाते हैं चारों व्हील्स के ऊपर, जो यहाँ से रेफरेंस मशीन ले लेता है और देखता है कि इनिशियली आपका कौन सा टायर अलाइन नहीं है या इधर उधर। दोस्तों ये अलाइनमेंट जो है बिगड़ जाती है जब आप बड़े गड्ढे में या बड़े स्पीड ब्रेकर के ऊपर आप गाड़ी चलाते हैं, तब गाड़ी की जो अलाइनमेंट है वो हिल जाती है। दोस्तों कई कबार दोस्तों ऐसे ही चलाने से 5-6 हज़ार किलोमीटर चलाने से आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट हिल जाती है। तो दोस्तों अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग आपको 5-7 हज़ार किलोमीटर्स में कराना ही चाहिए। दोस्तों ये देखिए ये कंप्यूटर आपको सब चीज़ें बताता है, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ सेटिंग कराने की ज़रूरत है अच्छी तरीके से। गाड़ी जो है आगे पीछे करके सेंड अच्छी तरीके से पोजीशन की जाती है। सबसे पहले ये देखिए यहाँ से थोड़ी से आगे लेने की ज़रूरत है गाड़ी तो कर रहा है, और स्टीयरिंग थोड़ा सा घुमाने की ज़रूरत है, तो मशीन बता रही है उस प्रकार से करना है। दोस्तों ये देखिए स्क्रीन पर बता रहा है कि मशीन किस ओर गाड़ी का स्टीयरिंग होना चाहिए, उसके बाद ये इनिशियल रीडिंग दे देगा मशीन। ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे बता रहे हैं, ये देखिए थोड़ा सा घुमाने के बाद इनिशियल जो रीडिंग होगी गाड़ी की एक्चुअल पोजीशन अब वो हमें स्क्रीन पे दिखाई देगी। टायर की लाइफ दोस्तों बढ़ जाती है अगर आप टाइम पे व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट कर लेते हैं, और आप जो वॉबलिंग गाड़ी में आपको होता है वो भी कम हो जाता है। दोस्तों ये देखिए अब मशीन चेक कर रहा है फाइनल, ये देखिए इस टायर में आप देख सकते हैं जो रेड मार्क है, रेड हुआ है वहाँ पे थोड़ा सा टायर बाहर की तरफ निकला हुआ है दोस्तों, तो उसे अब करेक्ट करना है। दोस्तों तो उसे नीचे जा करके टायर में जो सेटिंग होती है उसमें हमें डिटेल में नहीं जाना है दोस्तों, तो सेटिंग करके अच्छी तरीके से दोनों टायर जो है पीछे के टायर से आगे के दोनों टायर अलाइन किए जाते हैं, और आपकी गाड़ी जो है टायर का जो यूनिफॉर्म जो है घिसाव वो हो जाता है। दोस्तों तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप बता सकते हैं मुझे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे पहले दोस्तों नोटिफिकेशन आइकॉन जो बेल है वो दबाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।